2 सितंबर को सीकर शहर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का लगेगा दिव्य दरबार। इसी को लेकर दरबार स्थल से पवन सोनी की विशेष कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं रिपोर्टर पवन सोनी सीकर। जिस घड़ी का सीकर शहर वासियों को इंतजार था वो आखिर में आई गई है। मेरे कहने का मतलब है जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र जी शास्त्री जी है, यहाँ कल 2 सितंबर को उनका दिव्य दरबार लगेगा और मैं यहाँ पे आपको इसीलिए ये वंदे भारत न्यूज की टीम यहाँ पे आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, कैमरा मैन से होगा, पंडाल को जरा घूम के दिखाए। ये देखिए विशाल पंडाल लगाया गया है और यहाँ पे व्यवस्था सब बनाई हुई है। यहाँ पे कोई VIP नहीं है, कोई और नहीं है, जो कैमरा मैन दिखा रहे हैं। और एक ज़रूरी बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो भी शास्त्री जी के भक्त है, जो उनके जो उनको मानने वाले हैं, वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। उनकी भी कुछ आपको उनसे भी अपन बातचीत करेंगे, लेकिन ये आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं, अब रो के न ठही। ये यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे भी अपन इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो सर आपका नाम? रतन सिंह चौधरी, मैं जयपुर से हूँ और महाराज के कार्यक्रम के निमित्त में कल शाम से यहाँ आ गया था। और यहाँ आने के बाद में जितनी भी यहाँ की ग्राउंड लेवल की जो व्यवस्थाएँ हैं मैं उनको देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कल सवेरे लगभग 10 बजे महाराज जो तारपुर जो हवाई पट्टी है वहाँ पे उतरेंगे। वहाँ से उतरने के बाद में उनका रोड शो का प्रोग्राम है। अगर प्रशासन परमिशन देता है तो सिटी में से होगा, आइधर हम बाहर बाहर से उनको लेके आएंगे। जब महाराज यहाँ पे पहुँचेंगे लोहिया रिसोर्ट में वो रुकेंगे वहाँ पे, वहाँ से ये कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे पधारेंगे। लगभग 1 बजे के आसपास में मैं उम्मीद करता हूँ कि दरबार स्टार होगा और लगभग 2-1 लाख लोगों की संख्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे आनी चाहिए। उसी हिसाब से हमने सबने यहाँ पे व्यवस्थाएं करी है। हर व्यक्ति जो बाहर से आया है उनके लिए अभी भी और सवेरे भी जो है भोजन की व्यवस्था रखी गई है। सारा पांडाल आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे हवा की, पानी की और हर चीज़ की व्यवस्था है, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था है। लगभग 1000 लोगों की हमारे पास टीम है जो हमारे साथ में व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसी तरीके से आसपास के जो अपने जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं कर्मठ रूप से, वो सारे के सारे लोग हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं। और कोई आपको मेरे से इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप आदेश। जैसे आपने कहा परमिशन, तो उसके बारे में बता सकते हैं? मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बिकॉज मैं सिर्फ यहाँ पांडाल लेवल के काम देख रहा हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए आगे की अपडेट और देंगे आपको, लेकिन कल चलिए एक और यहाँ पे जो आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। हेलो, आप कहाँ से हैं? अभी आप प्रोग्राम तो कल है, आप आ गए भीड़ के चलते आपका नाम? एक दीदी हो रहे हैं, आइए दीदी रही। आप कहाँ से हैं? दीदी से झुंझुनू से। तो आप भी इनके प्रोग्राम बराबर देखती हैं? जी सर, पूरे प्रोग्राम देखते हैं। गुरु जी जहाँ पे मेरे को दिख जाते हैं मैं उन्हीं के प्रोग्राम देखती हूँ सर। आप आस्था है इनको? बहुत ज़्यादा आस्था। और आपकी कोई कभी आपने पर्चा इनसे निकलवाया है? तो नहीं, पर्चा तो नहीं निकला अभी, उनका तो इंतजार कर रहे हैं हम निकले। लेकिन पूरी आस्था है जहाँ पे मतलब गुरु जी दरबार लगाते हैं वहाँ जाते हैं पूरी श्रद्धा से। और देखते हैं। चलिए अपन यहाँ जो एक भक्त आए हैं उनसे भी अपन चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ से आए हैं आप? नागौर। नागौर से। तो आप यहाँ कल अभी आ गए, कल प्रोग्राम होने वाला है? अभी पहले से ही आ गए हम लोग, क्योंकि कल बहुत भीड़ा होगा, 2-3 लाख आदमी आएंगे यहाँ पर, इसीलिए हम पहले ही पहुँच गए। तो आप वहाँ जहाँ ये विराजमान रहे पंडित जी, वहाँ भी जाते हो क्या आप लोग? वहाँ जाते तो नहीं है, जाने का प्लान था, लेकिन अभी यहाँ पहला फर्स्ट बार ही आए हैं, यहाँ आ गए। आप पहली बार आए हैं? और कैसा अनुभव हो रहा है? कल आपको महाराज जी आएंगे? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी यहाँ? दिक्कत नहीं है। कल भीड़ होगी फिर वो? हाँ, कल भीड़ होगी तो पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो आज आगे ही बैठ गए, इसीलिए आज आप आ गए। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर जो पहले आता जो कहना है पहले आओ और पहले पाओ। तो आप मैडम आपके आपके साथ है क्या? हाँ। आपको कैसा लग रहा है दीदी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखते हो महाराज जी के प्रोग्राम होते हैं? डेली देखती हूँ, है ना। ये आपको कैसा अनुभव है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? हाँ।
चलिए अपन एक और पक्ष चर्चा करते हैं।